नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, आज के इस वीडियो सेगमेंट में हम बात करेंगे कि यूपीएससी ने अपने मेंस के सिलेबस से अपने इंग्लिश के कंपलसरी पेपर जो यूपीएससी लिया करता था उसे हटा लिया है, उसे ड्रॉप कर दिया है। मतलब इंग्लिश का एक कंपलसरी पेपर मेन्स में होता था, मुख्य परीक्षा में हुआ करता था, जिसे इंग्लिश यूपीएससी ने इसे हटा लिया है। दोस्तों, इस समय हम यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट पे हैं, यूपीएससी की वेबसाइट पे हैं। यहाँ पे बाकायदा नोटिफिकेशन जारी किया गया है। दोस्तों, इसे इस नोटिफिकेशन को मैं यहाँ दिखाता हूँ कि इसे 2020 से ड्रॉप कर दिया गया है कि 2020 की परीक्षा में आपको, मुख्य परीक्षा में आपको इंग्लिश का जो कंपल्सरी पेपर हुआ करता था उसे अब देना नहीं पड़ेगा। दोस्तों, वीडियो को शुरुआत करने से पहले मैं बता देता हूँ कि जो लोग नहीं जानते हैं कि मुख्य परीक्षा में क्या क्या पूछा जाता है, तो मुख्य परीक्षा में दोस्तों, यहाँ पे वीडियो को शुरुआत आगे बढ़ने से पहले बता देते हैं कि यूपीएससी अपने मेंस के पेपर में यहाँ पे एक पेपर इंग्लिश का लेता है जो इंग्लिश का कंपल्सरी पेपर है। मतलब ये कंपलसरी पेपर है और ये क्वालिफाइंग नेचर का होता है। दोस्तों, क्वालिफाइंग नेचर मतलब मुख्य परीक्षा में यहाँ पे इंग्लिश का एक पेपर पूछता था, इंग्लिश का एक पेपर हुआ करता था यूपीएससी के मेंस पेपर में, जहाँ पर इंग्लिश के यहाँ पे ये कंपलसरी होता था और कंपलसरी पेपर होता था, इसे आपको देना ही देना होता था और ये क्वालिफाइंग होता था। मतलब इसमें आपको 33% यहाँ पे 33% मार्क्स पाना होता था और इसमें अगर आप पास होते थे तभी आपकी जीएस की कॉपी चेक होती थी। तो दोस्तों, इसे यूपीएससी ने अभी ड्रॉप किया है, इसे अपने सिलेबस से हटा दिया है। ये बाकायदा इन्होंने नोटिफिकेशन जारी की है और अपनी वेबसाइट पे इसका जिक्र किया गया है। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं कि ये कहाँ इन्होंने इसका जिक्र किया है। तो दोस्तों, सब देखते हैं हम कि इसका जिक्र यूपीएससी ने अपनी वेबसाइट पे यहाँ पे किया है। दोस्तों, आप देख सकते हो ये जो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो आप येलो कलर में यहाँ पे ये स्कीम आके बन रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आप अभी देख पाओगे यहाँ पे आगे इन लोगों ने आगे प्रोसीड किया है। इससे पहले मैं यहाँ पर दिखे, इससे पहले मैं आगे प्रोसीड दिखा दूँ आपको ये कहाँ पे इन्होंने प्रोसीड आगे दिखाया है। दोस्तों, यहाँ पे आप दूसरे फोल्डर में एंटर कर जाता हूँ, यहाँ पे ये रिवाइज सिलेबस 2020 में यहाँ पे ड्रॉप किया है इन्होंने। आगे प्रोसीड, मैं इसे डाउनलोड कर लेता हूँ। दोस्तों, इसे डाउनलोड करके, ऑलरेडी मैंने इसे रख रखा है डाउनलोड करके। दोस्तों, ये देखो आप यहाँ से देख पाओगे इसे, यहाँ पे इन्होंने रिवाइज्ड स्कीम आप देख सकते हो। दोस्तों, मैं यहाँ पे जूम कर दिया हूँ, रिवाइज्ड स्कीम एंड पैटर्न यहाँ पे आप देख सकते हो, एंड सिलेबस ऑफ द कंबाइंड जियो साइंटिस्ट एंड जर्नलिस्ट एग्जामिनेशन। यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे मैं आ जाता हूँ, जो मेन हमारा मेन टारगेट है वो ये है कि यहाँ पे जहाँ पे इन्होंने ड्रॉप किया है वो दिखाना। दोस्तों, इन्होंने अपने नोटिफिकेशन में ये बाकायदा बोला है कि यहाँ पे देखिए आप पांचवें पॉइंट पे आ जाइए। दोस्तों, ये पांचवें पॉइंट में इन्होंने यहाँ पे इसका जिक्र किया है। दोस्तों, यहाँ पांचवा पॉइंट आप है, द प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन विल बी कंप्यूटर बेस्ड यहाँ पे दिया है। और दोस्तों, यहाँ पे आप सातवें पॉइंट में यहाँ पे देख सकते हो, आप सातवें पॉइंट में एग्जिस्टिंग जर्नल इंग्लिश पेपर हैज़ बीन डिसकंटिन्यूड। दोस्तों, यहाँ पे आप सातवें पॉइंट में आप देख सकते हो कि जो सातवां पेपर इंग्लिश का जो मेन्स में हुआ करता था, ये सातवां पॉइंट जो है उसमें एग्जिस्टिंग जर्नल इंग्लिश पेपर हैज़ बीन डिसकंटिन्यूड। मतलब इसे 2020 से यहाँ पे आपको इसे हटा लिया गया है, डिसकंटिन्यू कर दिया गया है, ड्रॉप कर दिया गया है। दोस्तों, आप अगले पॉइंट में आप देख सकते हो, दोस्तों अगले पॉइंट में इसका जिक्र भी किया गया है। दोस्तों, द रिवाइज स्कीम पैटर्न एंड द सिलेबस आगे देख सकते हो। दोस्तों, ऑफ द एग्जामिनेशन विल बी मेड इफेक्टिव फ्रॉम 2020 एग्जामिनेशन। दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हो, मेड इफेक्टिव फ्रॉम 2020 एग्जामिनेशन टू गिवन सफिशियंट, मतलब एक सफिशियंट टाइम दिया जाए यूपीएससी एस्पिरेंट को, ताकि इसके तहत आगे अपने अपने को ढाल लें। तो दोस्तों, इस आठवें पॉइंट में इसका साफ जिक्र किया गया कि 2020 से इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा। और यहाँ पे इन्होंने बोला है कि जो एग्जिस्टिंग जर्नल इंग्लिश पेपर है इसे यहाँ से हटा लिया गया है। दोस्तों, मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि ये बदलाव अभी यूपीएससी ने अपने जियो साइंटिस्ट एग्जाम में किए हैं। जियो साइंटिस्ट एग्जाम, जैसा कि हम सभी जानते हैं, यूपीएससी विभिन्न परीक्षाओं को आयोजित कराता है। तो यूपीएससी, जैसा कि हम सभी जानते हैं, यूपीएससी एक परीक्षा कराता है जिससे आईएएस आईपीएस इस तरह की पोस्ट निकलती है, जिसके लोग परीक्षा देके इस आईएएस आईपीएस जैसे पद पाते हैं। तो दोस्तों, यूपीएससी इसी के तहत अंतर्गत एक जियो साइंटिस्ट एग्जामिनेशन यहाँ पे कंडक्ट कराता है और इसी जियो साइंटिस्ट एग्जामिनेशन में इन्होंने यहाँ पे इंग्लिश के कंपलसरी पेपर को ड्रॉप कर दिया है और इसी के साथ साथ इसे दो सीबीटी भी कर दिया है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट भी कर दिया है, और इसे 2020 से लागू कर दिया है। तो दोस्तों, 2020 से यहाँ पे आपको जियो साइंटिस्ट एग्जामिनेशन में इसे लागू कर दिया है। तो दोस्तों, लाजमी है कि अगर 2020 से ये इसे लागू कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं 2021 या फिर
2022 से आपको 2021 या फिर 22 से आपको यहाँ पे यूपीएससी की आईएएस जो परीक्षा, आईएएस की परीक्षा होती है, आईएएस आईपीएस जैसी परीक्षाएं जो यूपीएससी कंडक्ट कराता है, उसमें आपको यहाँ पे इंग्लिश की कंपलसरी पेपर आपको यहाँ कहीं ना कहीं ड्रॉप यहाँ पे कर दिया जाएगा। दोस्तों अच्छी खबर है, एक पॉजिटिव खबर है यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए, क्योंकि यहाँ पे अगर यूपीएससी ने अपने मेंस के सिलेबस से इसे हटा दिया, इंग्लिश के पेपर को मेंस के सिलेबस से हटा दिया जो कंपलसरी पेपर हुआ करता था, तो कुछ ना कुछ चीज़ें मूड बना रहे हैं कि आखिरकार अगर कहीं ना कहीं यूपीएससी जो 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 संस्था है यूपीएससी आईएएस की परीक्षा कंडक्ट कराती है, और वही वही संस्था अपने दूसरे एग्जाम में अगर इंग्लिश के कंपलसरी पेपर को हटा दे रही है, तो कहीं ना कहीं ये इफेक्टिव होगा, कहीं ना कहीं इस पर यूपीएससी की जो आईएएस की परीक्षा कंडक्ट कराती है उसमें कहीं ना कहीं इसे आगे हमें देखने को मिलेगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, और जल्द आशा करता हूँ जल्द ही यूपीएससी इंग्लिश के मेंस में इंग्लिश का जो कंपलसरी पेपर होता है उसे यूपीएससी की जो आईएएस की परीक्षा कंडक्ट होती है उससे भी ड्रॉप कर दिया जाएगा।